हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपनी जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो ज्वेलरी के अंदर ही है वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती है उसके अंदर जो अच्छे अच्छे ईयर रिंग्स वगैरह है तो मुझे बहुत पसंद है। जो मैं कभी फ़ैशन के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है बस वही ले लेती हूँ। तो आप भी देखिए मेरे पास क्या क्या है। ये एक रिंग है जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरी फेवरेट है ब्लैक सिल्वर में। तो इस तरह की ईयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसका फैशन कभी जाता नहीं है। ये आप कभी भी पहनो एकदम न्यू लगेगी और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है जब भी इसे पहनते हैं। मैं आपको पहन के दिखाइए, और इसे पहनने के बाद आप हाथ में भले कुछ भी ना पहने तो भी चलेगा, ये बहुत खूबसूरत लगती है हाथों के अंदर। मेरी ब्लैक सिल्वर वाली झुमकी है। असल में ये छोटी सी झुमकी नहीं थी, ये पहले बड़े जो झुमके आते हैं वो थे, इसके ऊपर एक बड़ा सा जो मैंने आपको रिंग दिखाई थी वैसा लगा हुआ था, लेकिन वो टूट गया लाते ही। मैंने एक बार ही इसे पहना था और वो टूट गया, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये हुक लगा कर और इसे मैंने छोटी वाली झुमकी बना दी है। जुगाड़ करना अच्छा रहता है, कभी कभी करना चाहिए जुगाड़, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैंने इसके साथ एक DIY कर दिया और ये इतनी प्यारी सी झुमकी बन गई छोटी सी, जिससे मैं पहनती हूँ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है पहनने के बाद, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मेरी दूसरी रिंग है जो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ब्लैक सिल्वर है। ब्लैक सिल्वर की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और एक ये मेरे पास ट्रिपल लेयर बटरफ्लाई वाली जो चेन है वो भी ब्लैक सिल्वर में है, तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके ऊपर जो तीन तीन है, इसके अंदर एक ये है स्टोन है इसके अंदर एक, और इसके अंदर एक स्टार भी है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और बटरफ्लाई तो मेरी फेवरेट है। जो भी बटरफ्लाई के अंदर चाहे ईयरिंग हो चाहे कुछ भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरी ब्लैक सिल्वर में चांद बालियाँ कह लो, चांद बालियाँ ही है ये, और इसमें मिरर भी लगे हुए हैं। और ये मेरी फेवरेट वाली है, और ये मैंने एक ही ली है, और मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो इनको पहन लेती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये तो मैं मतलब पहनती ही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा इसमें वेट है, ये ज़्यादा वेटलेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये नोस्पिन है, ये डायमंड वाली है, और ये महाराष्ट्र स्टाइल में है, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है पहनने पर। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि आप इसे पूरा पहन सकते हैं, इसको जैसे अटकाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इसको पूरा नाक के अंदर पहन कर और इसे बंद कर सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये भी मेरी फेवरेट वाली है, ये मैं एक ही रखती हूँ, अधिकतर यही पहनती हूँ मैं। और ये कड़ियाँ हैं, पायल, छोटी छोटी कड़ियाँ हैं जो भी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी, तो ये मैंने ली थी, मेरी मम्मी ने ली थी मेरे लिए, पर ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पेटी है। ये पहनने के बाद पैर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसे तो पैंट जब भी पैंट पहनते हैं तभी इसे पहन सकते हैं, क्योंकि पैंट में ही ये दिखाई देती है अच्छे से, बाकी प्लाजो में तो ये छिप जाती है। पर ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट वाली ईयरिंग जो कि मैंने थे तो ये बहुत महंगे 250 की रेंज में बताया था मुझे, लेकिन मुझे ये 150 में मिल गए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए ये। अगर आप इसे पहनते हो तो फिर आपको गले में कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यही नज़र आएंगे। और इसके नीचे चेन लगी हुई है, बहुत प्यारे हैं ये, बहुत ज़्यादा, ये भी मेरे फेवरेट वाले हैं। और ये क्यूट सी रखड़ी है मेरे पास, छोटी सी डायमंड वाली, और मुझे डायमंड वाली रखड़ी बहुत पसंद है। और इसे मैं सूट पर, लहंगे चोली या गाउन किसी के ऊपर भी पहनती हूँ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और मैं हर चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो एक एक लेके मैं रख लेती हूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये गोल्डन कलर की ईयरिंग मैंने मेले से परचेज़ किए थे, वो भी सिर्फ 30 रुपये में, और इसका एक भी डायमंड नहीं गिरा है। इसे मेरे पास 6-7 साल हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगती है नाइट के टाइम पहनने में, और ना ही इसका कलर गया है, बहुत ज़्यादा प्यारी है ये भी। और ये एक बीट्स की माला है मेरे पास पर्पल कलर में, इसको आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास 10 साल हो गए हैं, करीबन 10 साल पूरे हो चुके हैं इसको। और ये मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए गुजरात से, तो मुझे ये बहुत पसंद थी, बेहद पसंद थी। ये 2 बार टूट भी चुकी है, तो मैंने इसको फिर से रिपेयर किया था
ये बीच में दूसरे बीट्स लगाकर मैंने इसको फिर से रेडी किया। और ये मेरी फेवरेट वाली माला है जो कि मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए। और अब ये देखिए आप, ये प्यारे से क्यूट से इयरिंग जो मैंने बनाए थे DIY इयरिंग, ये वो है। ये भी मेरे अब फेवरेट वाले बन चुके हैं क्योंकि ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको इसे पहनने के बाद आप अगर गले में कुछ भी ना पहने तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये भी अब मेरे फेवरेट वाले इयरिंग बन चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ये। तो ये तो बहुत ही छोटा सा कलेक्शन है, मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन उसे दिखाने में मेरी कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकती इतनी लंबी वीडियो। अभी तो फ़िलहाल यही है और बहुत सारे पड़े मेरे पास, क्योंकि मुझे इयरिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं इयरिंग्स बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये जो मेरे मोस्ट फेवरेट वाले हैं और भी हैं मेरे, लेकिन वो अगली बार और कभी। तो अभी तो मैंने आपके साथ जो थोड़े बहुत चीज़ें शेयर की है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।